तो नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रेश गोस्वामी आज ध्रुव से कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। बताएं किस टॉपिक पे? इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ, जहाँ मैं पढ़ता हूँ उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। तो मेरे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पे हॉलीडेज़ क्यों कम होते हैं? मतलब अगर मैं किसी IIT में जाऊँ, NSUT में जाऊँ, NSIT में जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, तो मतलब भर भर की छुट्टियाँ तो नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ तो होती हैं, तो प्राइवेट कॉलेजों में इतनी कम छुट्टियाँ क्यों होती हैं? ध्रुव बताओ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव कश्यप और मैं आपको ये बताऊंगा कि छुट्टियाँ प्राइवेट कॉलेज में कम क्यों होती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काउंसलिंग का भी प्रोसेस कुछ होता है, तो पहले तो प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, तो जब डायरेक्ट एडमिशन होते हैं उस टाइम काउंसलिंग भी चल रही होती है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं वो लोग नया सेशन चालू भी कर देते हैं, तब भी यहाँ पे काउंसलिंग जारी रहती है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जब सेशन चल रहा होता है, एक महीना हो जाता है, बच्चे अच्छे खासे पढ़ लेते हैं, तब काउंसलिंग का कहीं प्रोसेस ओवर होता है और नए बच्चे एडमिशन लेते हैं जो काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। तो उनके लिए अब हम कैसे कोर्स पूरा कराएंगे, क्योंकि एक महीना तो बच्चा जो पहले आया है वो तो पढ़ चुका है, अब जो दूसरा नया बच्चा आया है काउंसलिंग के थ्रू वो कैसे पढ़ेगा? तो यहाँ पे ये लोग मैनेज करते हैं छुट्टियों के ज़रिए और दोनों को ही अच्छे से सिलेबस और कोर्स पूरा कराते हैं, ताकि दोनों ही अच्छे से अपना करियर या अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में और जो भी है, छुट्टियाँ कम रहती है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या कॉलेजेस में एजुकेशनल या इंडक्शन फेस्ट वगैरह होते हैं जैसे कि IITs में? तो चित्रेश क्या बोलना चाहेंगे आप? तो मैं क्या बताऊँ, अगर आप फेस्ट की बात करते हैं ध्रुव, जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो फेस्ट की अगर बात करें तो ऐसा कोई फेस्ट मेरे सामने अभी तक नहीं हुआ। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे ख्याल से इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जो फाउंडेशन जिसे कुछ भी कहते हैं, वो AKTU द्वारा एक सर्कुलर आता है, उसमें लिखा होता है कि आपको कराना एकदम ज़रूरी है, तब यहाँ के कॉलेज वाले उस पर थोड़ा बहुत फोकस करते हैं। मतलब मान के चलिए 10-15 दिन वो चलता है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं, आपको हाफ डे तक के पढ़ाया जाएगा 12 से 1 बजे तक के, उसके बाद 2 घंटे का इंडक्शन प्रोग्राम ये रखेंगे, जहाँ पे वो आपको सेल्फ वेल्फ के बारे में पता नहीं क्या बताते रहते। मैंने तो कभी अटेंड नहीं किया, 1-2 बार मैंने अटेंड किया, फिर उसके बाद मैं तुरंत चला आता था, क्योंकि वहाँ पे मॉरल साइंस की बातें बताते थे बेसिकली, तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती थी, तो मैं वहाँ से चला आता था, और आप भी तो साथ में थे, तो ऐसा ही होता है। और फेस्ट ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन जब से मैं यहाँ सेकंड ईयर में आया था, तो हमारे HOD काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने इंजीनियर्स डे का सेलिब्रेशन करवाया था, तो यहाँ बच्चे कंट्रीब्यूशन करके ही सेलिब्रेशन करते हैं। ऐसा कोई ऐसे फर्स्ट आज तक मैंने तो यहाँ नहीं देखा और मैंने सुना भी नहीं है, हो सकता है होते हों, लेकिन यहाँ या आसपास के मेरे किसी कॉलेज में, मैंने प्राइवेट कॉलेज में नहीं फील किया ऐसा कुछ। तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था ध्रुव के लिए, मतलब जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं पूछता जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने लिख के भी रखे हैं। तो क्या यहाँ पे मतलब लेक्चर अटेंड करना नेसेसरी होता है? जैसे कि IITs में हम जानते हैं कि अगर आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप लेक्चर बंक कर सकते हैं, मतलब अपनी स्वेच्छा से लेक्चर बंक कर सकते हैं। आपको 75% तो मेंटेन करनी है, लेकिन आप बंक करके कर सकते हैं कुछ भी, तो क्या यहाँ पे ऐसा होता है? यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि अगर आप लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे तो वो बंक माना जाएगा और उस पर आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। और बेसिकली यहाँ पे लेक्चर तो अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर लेक्चर का एक अपना अलग महत्व है और उसका आपके एकेडमिक्स पे एक अलग असर पड़ेगा। तो बेसिकली हर टीचर यही चाहता है कि आप उसका लेक्चर अटेंड करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है कॉलेजेस में। और बात करी जाए यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पे लेक्चर मैंडेटरी नहीं होते अटेंड करना, तो ये एक बेसिक डिफरेंस मान सकते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में। तो क्या कहना चाहेंगे आप, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में और क्या डिफरेंस होते हैं? ध्रुव, जैसे कि आपने ये सब बताया कि मतलब हर एक लेक्चर का अपना एक अलग महत्व होता है, एक्चुअल में तो वो पहले से थोड़ा बहुत दिमाग लेके पैदा होता है, जाहिर सी बात है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसने साइंस स्ट्रीम ली है, तो उसके दिमाग होगा। तो क्या वो सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर अटेंड करे? जैसे कि मैंने कई सब्जेक्ट फील किए, जैसे ETE जैसा सब्जेक्ट होता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी AI, तो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एकदम बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। अगर वो कोई बंदा उस सब्जेक्ट को वहाँ पे छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जैसे कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई नई लैंग्वेज सीख रहा है, तो क्या ये कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस कैसी रहती है? मतलब क्या वो लोग अलाउ करते हैं आपको वहाँ जाना, या फिर जो क्या कहते हैं, मैं पूरी ओवरऑल चीज़ें जानना चाहूँगा ड्रेस के लिए, मतलब ड्रेस भी मैंने देखी है वहाँ पर, सब लोग पहनते हैं, मैं भी खुद ही पहनता हूँ,
तो ड्रेस के लिए या फिर क्या कहते हैं टाइमिंग का जो भी फाउंडेशन होती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर इन छोटे छोटे जो मतलब जैसे एआई का लेक्चर है क्या आप मतलब उसको छोड़ने के लिए वो अलाउ करते हैं अगर आप परमिशन लें तो? तो बात करी जाए कि एआई का लेक्चर या ईटीई का लेक्चर, तो ये तो एक नॉन कैंडिडेट सब्जेक्ट होता है, तो बेसिकली इनको पढ़ना तो ज़रूरी नहीं है। एक ज़रूरी तो है लेकिन कॉलेज के हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो माना कि बैक आ जाएगी और आपके मार्कशीट पर एक बैक का ठप्पा लग जाता है, तो वो बहुत ही बेकार लगता है, बहुत गंदा लगता है वो रेड निशान, बहुत गंदा। तो बात करी जाए ड्रेस की, तो ड्रेस यहाँ पे मैंडेटरी है, और अगर आप ड्रेस नहीं पहनते तो टीचर्स आपको थोड़ा बहुत कहा सुना भी सकते हैं और थोड़ी बहुत बहस भी हो सकती है। बाकी स्ट्रिक्टनेस की देखी जाए तो ओवरऑल स्ट्रिक्टनेस बहुत ही ज़्यादा है कॉलेज में यूनिवर्सिटी के मुकाबले। और बात करी जाए टीचर्स की, तो ये नहीं होता है कि टीचर्स आपको हमेशा पनिशमेंट ही देने की फिराक में रहते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ टीचर आपको बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, और अगर आप पढ़ने की नीयत से आए हैं तो फिर बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और अगर आप खुराफात की नीयत से आए तो आप समझ सकते हैं। और बोलना तो यही चाहूँगा कि कॉलेज ना तो बेसिकली एक स्कूल ही होता है, तो यही था यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में डिफरेंस। और यूनिवर्सिटी में थोड़े ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है और लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स इतना मतलब वो नहीं देते, ध्यान नहीं देते कि आप लेक्चर कर रहे हैं, आप पढ़ाई में कैसे हैं, उनके लिए बैक लग जाए तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ कॉलेज में आपकी अगर बैक लगती है तो आपको टीचर सुनाएगा भी, और आपको मतलब आपके ऊपर फोकस भी करेगा, आप पे ध्यान भी देगा कि आप आपकी बैक कैसे क्लियर हो और आप कैसे अच्छे नंबर्स लाएँ। तो ये था कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में डिफरेंस। अब अगला क्वेश्चन ये है चित्रेस, मैं जानना चाहूँगा कि कॉलेज में वर्क इन्वायरमेंट और स्टडी इन्वायरमेंट कैसा होता है? मतलब आप प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं आईआईटी अभी तो गया नहीं कभी, मैंने जेई का एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, जाहिर सी बात मैं आईआईटी नहीं गया, लेकिन मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो आईआईटीज में हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है सागर, तो वो आईआईटी में है, तो जैसा कि वो बताता है कि कैसा वर्क इन्वायरमेंट या फिर कैसा एजुकेशनल इन्वायरमेंट वहाँ रहता है, तो ध्रुव ऐसा रहता है जैसे हम लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एकेडमिक्स पे फोकस करना सिखाया जाता है कि आपके एकेडमिक्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि यहाँ के बंदों के ना आप देखेंगे 90% मार्क्स आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, मतलब परसेंटेज बहुत हाई रहती है, क्योंकि यहाँ के बंदे ना एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं या फिर कॉलेज वाले एकेडमिक्स पे फोकस कराते हैं। लेकिन आईआईटीज में ऐसा वर्क इन्वायरमेंट है कि इनोवेशंस की बात होती है। मैं वहाँ इतना नहीं गया हूँ, लेकिन ऐसा वो कहता है कि हाँ वहाँ पे हमेशा एक बंदा जो होता है वो नई चीज़ खोजने की कोशिश करता है कि हाँ ये तो ध्रुव ने कर दी, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसी मतलब वहाँ पे बातचीत होती है कि अलग चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, और वही अलग चीज़ें करने पे वो लोग ज़्यादा फोकस होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप कोई काम खुद से कर रहे हैं ना तो आपको अलग ही मज़ा आएगा, अगर आपको मतलब कोई काम थोपा जा रहा है या आपको ज़बरदस्ती कराया जा रहा है तो उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन अगर आप खुद से फोकस कर रहे हैं कि हाँ मुझे करना है, कल मुझे उस लड़की से मिलने जाना है या कुछ भी करना है, जब आप खुद से फोकस करेंगे ना आपका अलग ही मतलब आप लिमिट्स पुश करेंगे, बेसिकली खूब ज़्यादा लिमिट पुश करेंगे। हमारे कैमरा पर्सन भैया हैं, ये भी खूब लिमिट पुश करते हैं अपनी, मतलब रात में इनको खुद पढ़ने को कहा जाए तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे तो अगर इनको प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया जाए 3-3 बजे रात तक जगेंगे, एकदम प्रोजेक्ट बना के ही दम छोड़ेंगे, तो ऐसा होता है खुद को पुश करना। मजबूरी। तो मैं मतलब अटेंडेंस की बात करता हूँ, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे तो ज़रूरी है सब, तो क्या 75% अगर अटेंडेंस हो तो ठीक है, या फिर मतलब 100% अटेंडेंस का कोई फोकस किया जाता है प्राइवेट स्कूल्स या सॉरी स्कूल्स नहीं कॉलेजेस, ऐसे तो स्कूल ही हैं। तो मैं तो अटेंडेंस की देखी जाए तो अटेंडेंस क्या होता है कि यहाँ पे 75% तो कंपलसरी होती है कॉलेजेस में, और बाकी तो नॉन अटेंडिंग वाला अलग सिस्टम है। अटेंडेंस के लिए आपको टीचर्स बहुत कहेंगे, और हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड देने की भी धमकी दें कि आपका एडमिट कार्ड जनरेट ही नहीं होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टीचर्स अच्छे हैं, वो थोड़ी बहुत आपसे भाग दौड़ कराएंगे और आपको दे भी देंगे एडमिट कार्ड। तो अटेंडेंस बेसिकली आपको बना के रखनी है, आपने कई रील्स भी देखी होंगी इंस्टा पे या यूट्यूब पे कि 75% अटेंडेंस पूरा करने के लिए मैं नदी पार करके जा रहा हूँ, ऐसा आपने कई बार देखा होगा। मैंने एक रील देखी थी, उसमें ऐसा था कि एक बच्चा शिमला घूमने जा रहा था, तो उस रील में ऐसा था कि एक बच्चा शिमला घूमने जा रहा था तो दूसरा बच्चा कह रहा था ब्रो मैं तो 75% अटेंडेंस मेंटेन करने जा रहा हूँ 2 घंटा ट्रैवल करके, वो कॉलेज आता था 75% अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए। कभी कभी हम लोग को भी ऐसा ही फील होता है कि हाँ
क्यों हम लोग कॉलेज आ रहे हैं कि 75% अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन ना जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, स्टडी एनवायरनमेंट। आप घर पे रह के वो चीज़ें रियलिटी में आप सोचेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन ना वो आप फिर सोएंगे ही बैठ के। आप जाएंगे 10 बजे उठेंगे और फिर 5 बजे सो जाएंगे, फिर से उठेंगे, फिर सो जाएंगे और इंस्टा स्क्रॉल करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं ना तो आपको भले चाबुक के दम पे पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट ही होगा। जैसे कि मैंने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ पे पढ़ने का कहीं पे, मतलब बिल्कुल मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, मेरा अलग फोकस था कुछ और चीज़ें करने का। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ने लगा तो मेरा भी इंटरेस्ट आया। जैसे कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था PPS सी प्रोग्रामिंग का, मुझे फिर इतना इंटरेस्ट आया, मैं 86 नंबर आए और ध्रुव के तो 100 आए थे। तो ऐसे करके हम लोग मतलब इम्प्रूव करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ते हैं तो इम्प्रूवमेंट होता है। तो अब इम्प्रूवमेंट हुआ है तो थोड़ा प्लेस, ध्रुव आप बताइए प्लेसमेंट्स का क्या हाल है प्राइवेट कॉलेजेस में? तो प्लेसमेंट नाम सुनते ही आपको दिमाग में क्या होता होगा कि 10 करोड़ का पैकेज जा रहा है मेरा, 12 करोड़ का नहीं, किसी का नहीं जाता भाई 10 करोड़ का। हाँ वो सब एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन प्लेसमेंट सुनते ही आपके दिमाग में भी यही आता होगा कि मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लेसमेंट हो जाए। तो अगर आप कॉलेज से हैं और चाहते हैं कि आपका 10 करोड़ का पैकेज लग जाए तो आई एम सॉरी, ये तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 लाख का पैकेज मिल जाएगा मैक्सिमम। और अगर आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं तो मान सकते हैं कि आपका हायर पैकेज लग जाए, लेकिन वो सब एक्सेप्शंस हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अलग से पढ़ने के लिए आपको टाइम ही नहीं दिया जाएगा। और बाकी तो आप अगर टाइम निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। उसमें प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज में कंपनीज़ का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है। यहाँ पे कंपनीज़ बहुत ही कम आती हैं और हो मतलब शायद ही आती हैं। तो अगर आप प्लेस होना चाहते हैं एक अच्छी जगह पे, आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद ही एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। जैसे कंपनीज़ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, बार्कले, आपने सुनी होंगी कई कंपनीज़, तो इनमें आपको खुद ही एप्लीकेशन डाल के खुद ही मेहनत करनी होगी। बाकी अगर आप भी हुआ है ना, तो अभी TCS में एक बच्चे का सर सिलेक्शन हुआ है हमारे कॉलेज से, तो उसका अप्रोक्स साइज 3.5 लाख का पैकेज लगा है। तो ऐसे करके पैकेज लगते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, आपको खुद से करना है। जैसे मैं अभी भैया का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है उनसे पूछ लूँगा फिर वीडियो में यहाँ पर नाम डाल दूँगा उनसे। तो उन भैया का सिलेक्शन हुआ है हमारे कॉलेज से, तो TCS में हुआ है 3.5 लाख के पैकेज पे। तो ऐसे करके 2-3 लोगों का और भी हुआ है। तो TCS तो मेरे कॉलेज में नहीं आई थी, लेकिन उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, उन्होंने खुद से अप्लाई किया था फिर वो सिलेक्ट हुए। तो ऐसे करके यहाँ बंदे सिलेक्ट होते हैं, कई कंपनियाँ आती हैं कॉलेजेस में, लेकिन आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कोई मतलब होता है नहीं, रोज़गार मेला टाइप का यहाँ नहीं लगता है कि आपके लिए कंपनियाँ आ रही हैं, आप जाइए सूट बूट पहन के। 3 इडियट्स जैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा सब 3 इडियट्स में ही दिखाया गया है। और इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल्स, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल्स में भी ऐसा कुछ नहीं होता जैसे 3 इडियट में दिखाया गया है, क्योंकि मैं हॉस्टल में कुछ दिन रहा हूँ तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है। 3 इडियट्स आपको बहुत ज़्यादा आगे ऊंचाई की उड़ानों पे मतलब बहुत ज़्यादा उड़ा के दिखाती है बातों को। ऐसा रियल लाइफ में ना थोड़ा सा सिग्मा बन के बैठना पड़ता है, आपको पेशेंस रखनी पड़ती है और पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो यही सब है ध्रुव, और कुछ बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? कुछ चीज़ें बता दीजिए मनो। तो मन तो यही है कि ओवरऑल अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में देख रहे हैं डिफरेंस, या आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप पढ़ने की नियत से हैं तो कॉलेज में आ जाइए। बाकी अगर आपको खुराफात करनी है और आप पढ़ना भी चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन बेस्ट रहेगा। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मतलब फिर एग्ज़ाम भी तो क्लियर करने पड़ते हैं। बिल्कुल, तो वो थोड़ा टफ भी रहता है। आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप थोड़ा और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। तो ऐसा है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए आपने प्राइवेट कॉलेज में, आप सोच रहे हैं मैं इंजीनियर बन जाऊंगा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके, तो ऐसा नहीं है। आप पहले से मेहनत करिए और सोचिए कि एक आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए या फिर आप IIT में चले जाएं, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपकी बुद्धि तेज़ ना हुई ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपकी बैक आ जाएगी और आपके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे और आपका साल भी बर्बाद होगा। तो थोड़ा मेहनत कीजिए। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इतनी सारी बातचीत हम लोगों ने की, इतनी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी कि मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूँ। तो अभी तो यहाँ पे ही वीडियो को कट करते हैं, इस तक के कैमरामैन भी परेशान हो गए हमारे बैठे बैठे।
तो फिर हम लोग ना इस वीडियो को डिवाइड कर देते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए इस वीडियो का, तो हम लोग ना इस वीडियो को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। अगर आपका कमेंट आया तो मैं बना दूंगा, हम लोग दूसरी पार्ट को पे भी काम करने लगेंगे। नहीं तो अभी तक के लिए तो वीडियो इतनी ही है, और आपको और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, पीस आउट। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करो भाई, कर देना।